जानकारी के लिए संवाददाता कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, बीजेपी की बड़ी बैठक जा रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी? हो रही है इस बैठक में 2018 में जिन सीटों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, तकरीबन ऐसी ये कह सकते हैं कि 110 से अधिक सीटें हैं जहां पर 2018 में बीजेपी विधानसभा का चुनाव हारी थी। इसको लेकर जो है आज एक बड़ी बैठक प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आयोजित हो रही है और ये बैठक प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस बैठक में जिले के जिला अध्यक्ष सहित जो प्रत्याशी है वो भी इस बैठक में शामिल है। तो कह सकते हैं कि अब पूरी तरीके से चुनावी रंग में मध्यप्रदेश डूब चुका है और इस चुनावी रंग की अगर हम बात करते हैं तो लगातार जो है हार पर मंथन किया जा रहा है, विचार विमर्श किया जा रहा है। इसके साथ ही 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत की रणनीति बनाई जा रही है कि कैसे जो चूक 2018 में बीजेपी पार्टी से हुई थी उन कमियों को कैसे पूरा किया जाए, क्या कमियां रही, आखिरकार क्यों 110 से अधिक सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। तो तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसके साथ ही खबर मध्य प्रदेश में।